बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 45,000। तो भाई अगर आपका भी बजट 45,000 है, इस प्राइस रेंज में आप एक पावरफुल स्मार्टफोन लेना चाहते हो, तो यार ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा इंट्रो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन डोमिनोज, वेलकम टू दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नया चैनल को तो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चाउड कर लेना। स्टार्ट करते हैं तो नंबर वाइज स्टार्ट करते हैं, सीधी बात आपको तगड़ा कैमरा मिल जाता है, तगड़ा प्रोसेसर, तगड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, एंड इसका डिजाइन कलर लुक वगैरह भी बहुत प्यार आते हैं। ठीक है, मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर आपने डीपली देखने, इसका लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लेना। अभी बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.78 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 120 रिफ्रेश के साथ आती है, जो कि फ्लूइड डिस्प्ले। प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 865 मिल जाता है, जो कि 5G प्रोसेसर है, बहुत तगड़ा है। स्टोरेज की बात करूं, आपको 8GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज। बैटरी की बातों को 4510mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 30W का फास्ट चार्जर। कैमरे की बात करूं, आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, 48MP प्लस 8MP प्लस 48MP प्लस 5MP। सेल्फी की बात करूं, आपको 16MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूं, इसका प्राइस यार 45,000 से थोड़ा सा अपर चल जाता है, लेकिन अगर आप इस स्मार्टफोन की ओर चल जाते हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको बहुत तगड़ा फोन मिल जाता है, जो कि आप लॉन्ग टाइम पीरियड यूज कर सकते हो। अभी आगे बात करते हैं नंबर फोर की बात करूं, नंबर फोर पर यार मैंने रखा MI 10 को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, एंड फोन के बैक साइड का आपको डिज़ाइन बहुत पसंद आने वाला है। इसके कलर वगैरह भी बहुत प्यारे देखने को मिलते हैं। इसके डिस्प्ले की बात करूं, आपको 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 90 रिफ्रेश के साथ देखने को मिलती है। प्रोसेसर भी बहुत तगड़ा है, उसके बाद रिवर्स चार्जिंग वगैरह सपोर्ट करता है। इसका कैमरा बहुत तगड़ा मिल जाता है, प्लस कैमरा एप्लीकेशन में आपको ऐसे कई फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि आपकी सेल्फी होगी या फोटोज होगी या वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, उसको बहुत पर लेके चल जाते हैं, बिकॉज आप 8K में वीडियो शूट कर सकते हो, जो कि इसका प्लस पॉइंट आ जाता है। बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्ले की बात करूं, आपको 6.67 इंच 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 90 रिफ्रेश के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूं, आपको स्नैपड्रैगन 865 मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूं, आपको 8GB रैम मिल जाती है, प्लस ये दो वर्ड में देखने को मिलेगा, 128GB स्टोरेज प्लस 256GB स्टोरेज। जो भी बजट में सेट बैठता है भाई, आप उसके और जा सकते हो। बैटरी की बात करूं, आपको 4780mAh की बैटरी मिल जाती है, 30W का फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, प्लस आपको 30W का फास्ट चार्जर मिल जाता है, प्लस भाई आपको 10W का रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है ये फोन। कैमरे की बात करूं, आपको क्वाड कैमरा मिल जाता है, 108MP प्लस 30MP प्लस 2MP प्लस 2MP, जिस पे आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सेल्फी की बात करूं, आपको 20MP सेल्फी मिल जाती है, लेकिन भाई आपको 20MP में ना 4K ऑप्शन नहीं मिलता। प्राइस की बात करूं, पहले इसका प्राइस आपको 49,000 देखने को मिलता था, लेकिन अभी इसका प्राइस कम हो गया, आपको 45,000 के बजट में नॉर्मली इजिली मिल जाएगा MI 10 5G। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया MI 10 के भी, अगर आपने स्मार्टफोन की ओर जाना है आप जा सकते हो। अभी आगे बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूँ या नंबर थ्री पर मैंने रखा ASUS ROG Phone 3 को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ भाई, अगर आपको एक गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए ना, तो भाई किसी स्मार्टफोन की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको ASUS ROG Phone 3 बहुत तगड़ा मिल जाता है। आपको AU ट्रिगर मिल जाता है, RGB लाइटिंग मिल जाती है, प्लस आपको डुअल टाइप सी देखने को मिल जाती है। इसका डिस्प्ले बहुत तगड़ा देखने को मिल जाता है, प्रोसेसर बहुत तगड़ा, प्लस आप 8K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बैक कैमरे में आपको बहुत तगड़ा देखने को मिल जाएगा, मतलब आपको कूलिंग सिस्टम वगैरह भी देखने को मिल जाती है। इसके स्पेसिफिकेशन बहुत है यार, अगर मैं ज्यादा डीपली बताने लग गया ना, मेरी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता मेरी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाए, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं चाउड किया तो इसको चाउड कर लेना, आपको बहुत पसंद आने वाला। अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने चाउड करना है चाउड कर सकते हो, अगर आपने परचेज करना है भाई परचेज भी कर सकते हो। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। डिस्प्ले की बातों को 6.59 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलते हैं, जो कि AMOLED HDR डिस्प्ले है। डिस्प्ले बहुत तगड़ा है। प्रोसेसर की बात करूं, स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत तगड़ा है। स्टोरेज की बात करूं, आपको 12GB रैम मिल जाती है प्लस 120GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूं, 6000mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 30W का फास्ट चार्जर। कैमरे की बात करूं, आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है। सेल्फी की बातों को 24MP सेल्फी मिल जाती है। अदर फीचर्स की बात करूं, आपको डुअल USB पोर्ट मिल जाते हैं, RGB लाइटिंग जाते हैं, कूलिंग सिस्टम के साथ आता है, प्लस आपको AU ट्रिगर वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। प्राइस की बात करूं, इसका प्राइस ना आपको 45,000 से लेके अभी
फ्री का प्राइस बता रहा हूँ, ठीक है, आपको 45,000 से लेके 47,000 के बजट में ASUS ROG Phone 3 देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए ASUS ROG Phone 3 के भी। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नंबर टू एंड नंबर वन मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, बिकॉज यार दोनों ही स्मार्टफोन आपको सैमसंग की ओर से देखने को मिलते हैं, ठीक है। बात कर रहा हूँ मैं सैमसंग गलेक्सी S20 प्लस की, बात कर रहा हूँ S20 FE की, ठीक है। दोनों जो स्मार्टफोन है बहुत लोटेड मिल जाते हैं, डिज़ाइन लुक वाइज दोनों का बहुत प्यारा है, प्लस आप 8K वीडियो दोनों में देखने को मिल जाती है, बैक कैमरे में, फ्रंट कैमरे में आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो, तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है, अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है, प्लस दोनों स्मार्टफोन्स का प्राइवेसी सिस्टम बहुत तगड़ा है भाई, जो भी आपने लेना है आप ले सकते हो। एंड ये फ़ोन जो है ना वो सच में बहुत तगड़ा है, अगर मेरा बजट भी होता ना तो यार मैं इन दोनों फ़ोन में से कोई भी लेता, बट मतलब दोनों फ़ोन से बहुत तगड़े मिल जाते हैं। अभी बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की, तो पहले सैमसंग गलेक्सी S20 प्लस की बात करते हैं, तो डिस्प्ले की बातों को 6.7 इंच डायनमिक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, प्रोसेसर की बातों को एक्सनॉक्स 990 देखने को मिल जाता है, जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है, बहुत तगड़ा, अगर आपने गेमिंग करनी है कर सकते हो। स्टोरेज की बात करूँ आपको 8GB रैम मिल जाती है प्लस 120GB स्टोरेज, बैटरी की बात करूँ आपको 4500mAh की बैटरी मिल जाती है, कैमरे की बातों को क्वाड कैमरा मिल जाता है, सेल्फी की बात करूँ आपको 10 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ इसका प्राइस आपको 45,000 के बजट में मिल जाएगा, पहले इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता था लेकिन अभी इसका प्राइस थोड़ा सा कम हो गया, और भी कम हो जाएगा बिकॉज सैमसंग का एक नया फोन लॉन्च हो गया, सो दैट्स वाई इसका प्राइस और भी कम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैमरा बहुत तगड़ा है, ऐसे मत सोच लेना कि 10 मेगापिक्सल की सिर्फ सेल्फी, ठीक है, तो मेगापिक्सल के कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंसर से फर्क पड़ता होता है, इसका सेंसर बहुत ज़्यादा तगड़ा देखने को मिल जाता है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बैक कैमरे में आप 8K शूट कर सकते हो। अभी आगे बात करते हैं सैमसंग गलेक्सी S20 FE की, तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.5 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 865 मिल जाता है, स्टोरेज की बातों को 8GB रैम मिल जाती है प्लस 120GB स्टोरेज, प्लस आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो। बैटरी की बात करूँ आपको 4500mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 25W का फास्ट चार्जर, प्लस वॉश चार्जिंग भी मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। कैमरे की बात करूँ आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 12MP प्लस 8MP प्लस 12MP। सेल्फी की बात करूँ आपको 32MP सेल्फी मिल जाती है, जिसपे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बैक कैमरे में आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स के बता दिया, अभी मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मेरा बजट होता ना 45,000 तो भाई मैं जाता सैमसंग गलेक्सी S20 FE की, और बिकॉज मेरा काम ही ऐसा, मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, उसमें मुझे 8K वीडियो शूट मिल जाता है, फ्रंट कैमरे में 4K देखने को मिल जाता है, जो कि सच में मैटर करता है। प्लस भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपने गेमिंग के लिए लेना है तो ASUS ROG Phone 3 जो है ना आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है, जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो, सभी के लिंक मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। अभी यार मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है ख़त्म, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेजना, दोस्तों को भेजना उनको भी कह देना कि चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को कर दे, लाइक एंड इंस्टाग्राम पर कर फॉलो, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ नया टॉपिक लेकर आएंगे, आपको बताएंगे दिखाएंगे यार, थैंक यू।